भारत के पास समुद्र में छिपा है इतना बड़ा खजाना। लिथियम के बाद दो और बहुमूल्य खनिजों का लगा पता, मिल गए तो दुनिया में आर्थिक सुपर पावर बन सकता है भारत। दोस्तों, हमने आपको हाल ही में वीडियो बनाकर जानकारी दी थी कि भारत को जम्मू कश्मीर में लिथियम का एक बहुत बड़ा खजाना हाथ लगा है, जो 60 लाख टन लिथियम का खजाना है। और इसके बलबूते ही भारत दुनिया में तीसरा ऐसा बड़ा देश बन गया है जिसके पास इतना विशाल खजाना मौजूद है। हालांकि दोस्तों, इसके साथ ही भारत को इस लिथियम के खजाने के साथ साथ सोना भी मिला है, और इसके साथ ही बाकी के लिथियम की खोज भी जारी है। ये हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे कि भारत का ये खजाना अब और कितना बड़ा हो गया है। वहीं दोस्तों, लिथियम के बाद अब भारत को दो ऐसे बहुमूल्य खनिजों का और पता लगा है जो भारत को आर्थिक सुपर पावर बना सकते हैं, और ये भारत में कई सालों से था लेकिन भारत ने कभी इसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन दोस्तों, मौजूदा सरकार ने इस खनिज खजानों को निकालने के लिए एक मिशन चलाने का फैसला किया है। लिथियम के बाद दो और खनिजों का लगा पता, कई मामलों में दुनिया का लीडर बन सकता है भारत। दोस्तों, दरअसल अंतरराष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण यानी ISA ने मोदी सरकार को कुछ ऐसा कहा है जिसने दुनिया को चौंका दिया है। ISA ने कहा है कि भारत के पास हिंद महासागर में ऐसे ऐसे खनिज छिपे हुए हैं जो भारत को मालामाल कर सकते हैं। हिंद महासागर में खनिजों का विशाल भंडार भारत को निकेल और कोबाल्ट धातु के मामले में आत्मनिर्भर बना सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण के महासचिव माइकल W. लॉज ने यहाँ इस मामले में बड़ा बयान दिया है। माइकल W. लॉज ने डीप ओशन मिशन के माध्यम से इस दिशा में मोदी सरकार के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत गहरे समुद्र में खनन में वैश्विक भूमिका निभा सकता है। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है निकेल और कोबाल्ट धातु की, जिसमें भारत दुनिया का बड़ा देश बनकर सामने आ सकता है। दरअसल दोस्तों, अधिकांश इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग की जाने वाली लिथियम आयन बैटरी में निकेल और कोबाल्ट सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं। ISA ने कहा कि भारत यहां पर खनिज निकालकर गहरे समुद्र में खनन में एक वैश्विक भूमिका निभा सकता है। माइकल W. लॉज ने गांधीनगर में गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आयोजित समुद्र तल खनन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि 1980 के दशक से भारत गहरे समुद्र में खनन के क्षेत्र में शुरुआती अग्रणी निवेशकों में से एक था, और मोदी सरकार के प्रयासों से हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में भारी प्रगति हुई है। डीप ओशन मिशन के तहत भारत की प्रगति अभूतपूर्व रही है। भारत में गहरे समुद्र में खनिज अन्वेषण और दोहन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करने की क्षमता है। दोस्तों, आपको बता दें कि ISA यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण एक संगठन है जिसमें 167 देश शामिल हैं, और ये यूरोपीय संघ का एक अंतर सरकारी निकाय है जिसका मुख्यालय जमैका के किंगस्टन में स्थित है। अब 167 देशों का ये संगठन चाहता है कि भारत की अगुवाई में निकल और कोबाल्ट धातुओं को समुद्र से निकाला जाए, और सबसे ज्यादा इससे भारत को ही फायदा होगा। आने वाला वक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल का होने वाला है, और इसमें जो चीज सबसे अहम है वो है लिथियम, निकल और कोबाल्ट। भारत को पहले ही भारी तादाद में लिथियम मिल चुका है, और ऐसे में अगर भारत हिंद महासागर से निकेल और कोबाल्ट भी हासिल कर ले तो फिर भारत इस मामले में दुनिया में कहीं आगे निकल सकता है। अब अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण यानी ISA के महासचिव ने कहा कि वो भारत में इसे लेकर राजनीतिक, वैज्ञानिक और तकनीकी स्तर पर प्रतिबद्धता से बेहद प्रोत्साहित हुए हैं, और भारत इस क्षेत्र में किसी भी अन्य देश के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत निकल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं है, और ये भारत के लिए बड़ी समस्या पैदा कर सकता है जब तक कि आप घरेलू आपूर्ति विकसित नहीं कर लेते। लेकिन समुद्र तल में भारत की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए निकल पर्याप्त मात्रा में है। यदि भारत वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में अग्रणी बनना चाहता है तो भारत के पास ऐसा करने की क्षमता है। इसी तरह भारत के पास कोबाल्ट के लिए कोई सुरक्षित स्रोत नहीं है, लेकिन समुद्र तल पर वो स्रोत प्रदान करता है। दोस्तों, वास्तव में ये भारत के लिए गोल्डन चांस है, और बताया तो ये भी जा रहा है कि भारत इसको लेकर पूरी तरह से रणनीति भी बना चुका है, और एक मिशन के तहत इन दोनों ही खनिजों को हासिल करने के लिए काम करने वाला है। लिथियम पर भारत की हो गई चांदी, अब भारत लिथियम का निर्यात भी करेगा। दोस्तों, आने वाले भविष्य और वर्तमान को जो एक चीज एनर्जी दे रही है वो है लिथियम। फिलहाल इस लिथियम पर ऑस्ट्रेलिया और चीन की बादशाहत है। इन दोनों देशों के पास कई लाख टन का लिथियम रिजर्व है, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत में अब इतना लिथियम मिल चुका है कि भारत इस मामले में दुनिया के तीसरे बड़े देश के रूप में सामने आ चुका है। देश में पहली बार जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार का पता लगा है। अभी तक 60 लाख टन लिथियम का पता लग चुका है, और ये संख्या आगे बढ़ भी सकती है।
भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पहली बार जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैवाना क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन के लिथियम अनुमानित संसाधन का पता लगाया है। खनन सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा कि पहली बार लिथियम के भंडार की खोज की गई है और वो भी जम्मू कश्मीर में पाए गए हैं। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा अन्वेषण पर जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के भंडार पाए गए हैं। दरअसल दोस्तों, लिथियम एक ऐसी अलौह धातु है जो किसी भी बैटरी के अहम घटकों में से एक है। खनन सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा कि चाहे वो मोबाइल फोन हो या सोलर पैनल, हर जगह महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर बनने के लिए देश के लिए महत्वपूर्ण खनिजों का पता लगाना और उन्हें संसाधित करना बहुत जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सोने का आयात कम किया जाता है तो हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे। इससे पहले खनन मंत्रालय ने कहा कि उभरती तकनीकों के लिए महत्वपूर्ण खनिज सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए सरकार ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना से लिथियम सहित खनिजों को सुरक्षित करने के लिए कई सक्रिय उपाय कर रही है। वर्तमान में भारत लिथियम, निकल और कोबाल्ट जैसी कई खनिजों के लिए आयात पर निर्भर है। अब भारत का अगला टारगेट निकल और कोबाल्ट के लिए हिंद महासागर में मिशन चलाना है।